या फिर सीक्वेंशियल सर्चिंग क्या होती है? सर्च एल्गोरिथम क्या करता है? सर्च एल्गोरिथम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी गिवन लिस्ट में चेक करता है, अगर वो एलिमेंट आपका लिस्ट में प्रेजेंट है तो वो आपको रिटर्न करेगा कि एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और उसकी पोजीशन भी रिटर्न कर सकता है। बट अगर वो एलिमेंट आपका गिवन लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है उस केस में क्या होगा, हम एरर मैसेज शो कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं सर्च इज नॉट सक्सेसफुल एक्सेट्रा। तो आज हम देखते हैं लीनियर सर्चिंग एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। सपोज ये आपकी गिवन लिस्ट है, या हम कह सकते हैं ये हमारा एरे है और नेम ऑफ द एरे इज ए, और सपोज एक्स वो एलिमेंट है जिसे हमें फाइंड करना है। हम मान के चलते हैं सपोज 32 हमें फाइंड करना है, और जो लिस्ट है आपकी इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 7, और इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? एन वैल्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। लीनियर सर्च एल्गोरिथम क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा आपके इस गिवन एलिमेंट को अपनी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू से। लेफ्ट मोस्ट जो वैल्यू है इसे कंपेयर करना हम स्टार्ट करेंगे। आपका कंपैरिजन होगा 9 = 32, नो 9 is not equal to 32। तो इस केस में क्या होगा, हमने स्टार्ट किया यहाँ से एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन पे हम कंपेयर करेंगे, क्या 15 32 के इक्वल है? नो इट इज नॉट इक्वल, सो इट विल मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन पर हमें क्या मिला, 90, क्या 90 32 के इक्वल है? नो 90 is not equal to 32, वी विल मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। अब इस पे क्या होगा आपका, 32 is equal to 32, कंडीशन ट्रू हो गई है यहाँ पर। इस केस में एल्गोरिथम रिटर्न करेगा कि आपका एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट है और वो इस पोजीशन पे है। ओके, अब सपोज जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे थे वो एलिमेंट है आपका 35। इस केस में क्या होगा, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, कंपेयर करेंगे 9 को 35 से, 9 is not equal to 35, देन टू नेक्स्ट लोकेशन 15 is not equal to 35, देन टू नेक्स्ट लोकेशन 90 is not equal to 35, 32 is not equal to 35, सिमिलरली 42 is not equal to 35, 10 is not equal to 35, एंड 5 is also not equal to 35। इस केस में क्या हुआ, आपकी लिस्ट खत्म हो गई है, बट आप जो एलिमेंट सर्च कर रहे थे वो एलिमेंट आपको लिस्ट में नहीं मिला। इस केस में हम क्या करेंगे, एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, और वी कैन से द सर्च इज अनसक्सेसफुल। ओके, तो अब हम समझते हैं इसको लूप्स के थ्रू, कि लूप्स के थ्रू हम इसे कैसे कर सकते हैं। अब हम क्या करना है, हम एक फोर लूप लेंगे। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। तो मैंने एक आउटर वेरिएबल लिया, सपोज i = 0, 0 से इनिशियलाइज किया, क्यों, क्योंकि हमें 0th लोकेशन से स्टार्ट करना है। देन i < n, आपका लूप कब तक चलेगा, जब तक आपकी वैल्यू n से लेस नहीं हो जाती है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 7, बट लास्ट पोजीशन क्या है आपकी, 6। तो हमने यहाँ पर लेस देन एन लिया है कि जब तक आई की वैल्यू आप 0 से स्टार्ट करेंगे, और आपका लूप कब तक चलेगा, जब तक आपकी वैल्यू 6 है तब तक। और इसके बाद क्या होगा, i++, ये आपका इटरेशन में चलेगा। अब इसमें हमें करना क्या है, जब भी हम एक इटरेशन में एंटर करेंगे हमें करना क्या है, वी विल कंपेयर a ऑफ i मींस हम एरे के वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं। इनिशियली आई की वैल्यू क्या होगी, 0, इट मींस a0 क्या है आपका, 9। इस तरीके से हम कंपेयर करवाएंगे, क्या इफ a ऑफ i = x, x क्या है, वो वेरिएबल जिसे हमें सर्च करना है, वो एलिमेंट जिसे हम सर्च कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम प्रिंट एफ कर सकते हैं, एलिमेंट इज एट लोकेशन मॉड्यूलस डी, और हम आई को रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पर हम आई को रिटर्न कर देंगे, आई की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पे, वो लोकेशन जहाँ पर आपको वो एलिमेंट मिला है। ओके, देन वी विल क्लोज द इफ एंड देन वी विल क्लोज द फोर स्टेटमेंट। अब हम इसे देखते हैं ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। इनिशियली हमने स्टार्ट किया i = 0 से, i < n, 0 आपका
लेस देन है एंड क्या है आपका सेवन, जीरो लेस देन सेवन है, आप लूप में एंटर करेंगे। लूप में जैसे आप एंटर कर रहे हैं यहाँ पर आपकी एक इफ स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है ए ऑफ आई, आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है अभी जीरो, तो हम चेक करेंगे ए ऑफ जीरो इक्वल टू है क्या एक्स के, एक्स की वैल्यू हमने सपोज की है 32, ए जीरो क्या है आपका 9, इसने चेक किया कि क्या 9 32 के इक्वल है, नो 9 इज नॉट इक्वल टू 32, तो क्या होगा आप इस स्टेटमेंट में एंटर नहीं करेंगे, इफ ब्लॉक में आप एंटर नहीं करेंगे और आपका होगा क्या आप डायरेक्ट आई प्लस प्लस वाले सेक्शन पर आएंगे। यहाँ पर क्या होगा आपकी आई की वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। अब इस केस में आपको आई की वैल्यू क्या मिलेगी 1, तो आपको कंपेयर होगा कि क्या 1 लेस देन 7 है, यस 1 इज लेस देन 7, तो आप लूप की बॉडी में एंटर करेंगे। अंदर जब आए आप यहाँ पर क्या है इस कंडीशन है, ये फिर से चेक करेगा, इस बार आई की वैल्यू क्या है 1, तो हम चेक करेंगे कि क्या ए ऑफ 1 इक्वल है एक्स के, ए ऑफ 1 क्या है आपका 15, एक्स क्या है आपका 32, 15 इज नॉट इक्वल्स टू 32, तो इस केस में भी क्या होगा आप इफ ब्लॉक में एंटर नहीं करेंगे और वापस कहाँ जाएंगे इंक्रीमेंट सेक्शन पर। इंक्रीमेंट सेक्शन में इस बार वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2, क्या 2 लेस देन 7 है, यस 2 इज लेस देन 7, कंडीशन इज ट्रू, वी विल एंटर इन द बॉडी ऑफ द लूप। अंदर बॉडी में क्या होगा फिर से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, इस बार आई की वैल्यू क्या है 2, हम चेक करेंगे कि क्या ए ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स है, ए ऑफ 2 क्या है आपका 90, 90 इज नॉट इक्वल टू 32, इस बार भी आप इफ ब्लॉक में एंटर नहीं करेंगे और डायरेक्ट कहां जाएंगे इंक्रीमेंट सेक्शन पर। इस केस में क्या होगा आई की वैल्यू क्या हुई 3, क्या 3 की वैल्यू लेस देन 7 है, यस 3 इज लेस देन 7, आप फिर से लूप की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, यहां पर फिर से कंडीशन चेक होगी, इस बार आई की वैल्यू क्या है 3, हम चेक करेंगे क्या a of 3 is equals to x, a of 3 क्या है आपका 32, yes 32 is equals to x, 32 is equal to 32, condition यहाँ पर true हो गई है। तो जैसे ही condition true होगी आपकी ये वाली statement execute होगी, इस statement में क्या print होगा element is at location modulus di, i की value को हम यहाँ print करवा रहे हैं और i की value क्या है इस case में 3, तो आपको output मिलेगा element is at location 3, ओके क्लियर। जब उस केस में जब आपका एलिमेंट आपको मिल जाता है तब आपका ये प्रेजेंट होगा एलिमेंट इज एट द लोकेशन और आई की जो भी वैल्यू होगी वो। अब चेक करते हैं आपका नॉट वाला केस, अगर आपका एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में होगा क्या आपका ये लूप कितने टाइम्स चलेगा आपका n टाइम्स चलेगा, जीरो से लेकर आपका लेस देन n वैल्यू तक चलेगा और जब एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर i की वैल्यू क्या होगी n, क्योंकि ये लूप कब तक चलेगा, ये आपका चलेगा 6 लेस देन 7 तक, जैसे ही इस लूप से बाहर आएंगे i की वैल्यू क्या हो चुकी होगी 7, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर चेक करवा सकते हैं कि इफ i is equals to n, अगर i की वैल्यू n के इक्वल हो गई है जो इस केस में हमारी 7 है, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे printf element is not present in the list, present in the list, this. But एक पॉइंट और है यहाँ पे छोटा सा कि जब हमें हमारा एलिमेंट मिला when we got 32 is equals to 32 उस केस में i की वैल्यू क्या हो गई थी 3, तो यहाँ देखिए जब i की वैल्यू 3 हो गई थी 3 less than 7 था, कंडीशन ट्रू है और आपका ये प्रिंट भी हो जाएगा एलिमेंट इज एट लोकेशन 3, बट इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा क्या अब वापस इंक्रीमेंट सेक्शन पर जाएंगे, इंक्रीमेंट सेक्शन पे क्या हुआ आई की वैल्यू इंक्रीज होके क्या हो गई 4, चेक किया क्या 4 लेस देन 7 है, कंडीशन 2 है, अब आप यहाँ पर आएंगे इफ ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू एक्स, आप चेक करोगे क्या 42 इक्वल्स टू 32 है, नहीं है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर से आप इंक्रीमेंट सेक्शन पर जाएंगे, फिर से आई की वैल्यू
प्रोसेस रिपीट होगा। कब तक रिपीट होगा? जब तक आप लिस्ट के एंड तक नहीं पहुंच जाते। बट हमें इन स्टेप्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पर। जैसे कि हमें वो एलिमेंट हमारा लिस्ट में मिल गया, हम इस लूप से बाहर आ सकते हैं। वो कैसे होगा? यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, जैसे ही हमारा हुआ a of i, यानी कि a of 3 is equals to 32, उस केस में हम ये मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एलिमेंट इज एट लोकेशन, i की वैल्यू होगी 3 उस टाइम पे। वहां पर हमने i की वैल्यू को 3 रिप्रेजेंट कर दिया, एंड देन वी ब्रेक। ब्रेक का मीनिंग क्या होगा? ब्रेक मतलब जिस लूप में आपने उसको यूज किया है, आप उस लूप से बाहर आ जाओ। बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं, उनके लिए आपको लूप को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस केस में जैसे ही हमारा ये वैल्यू कंपेयर हुई, एलिमेंट्स मैच हुए, हम ब्रेक करेंगे और इस लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से जब बाहर आएंगे, इस केस में हमारी आई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 3। तो हम चेक करेंगे कि क्या 3 इक्वल्स टू 7 है? नहीं, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 7, तो आपका ये भी प्रिंट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द लीनियर सर्च एल्गोरिथम। ये आपका हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेगा, जिस एलिमेंट को आपको ढूंढना है उससे। अगर वो एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट है तो इट विल प्रिंट द लोकेशन ऑफ दैट एलिमेंट, अदरवाइज इट विल प्रिंट एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। अब इसी प्रोग्राम को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है आपके पास, सेकंड ऑप्शन क्या होगा कि हम एक फ्लैग वेरिएबल, सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट फ्लैग इक्वल्स टू 0। ओके, इंट फ्लैग इक्वल्स टू 0, और जैसे ही मुझे अपने प्रोग्राम में वो एलिमेंट मिल जाता है तो मैं क्या करूँगी, सेट कर दूंगी फ्लैग इक्वल्स टू 1। ओके, मैंने सेट कर दिया फ्लैग इक्वल्स टू 1, और जैसे ही हम उस लूप से बाहर आए तब हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0, तब हम ये मैसेज प्रिंट कराएंगे कि सर्च इज अनसक्सेसफुल। उस
स्टेट में नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने होंगे? 1। अब अगर हमारा एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे है तो इस केस में कितने कंपैरिजंस होंगे? 2। सिमिलरली थर्ड पोजीशन पे है, कितने होंगे? 3। अप टू n वेरिएबल्स। ठीक है, तो इससे और टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कितने हैं? n केसेस। तो एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस डिवाइडेड बाय n, इसे हम लिख सकते हैं n प्लस 1, n इनटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपका n है यहाँ पे, n n कैंसिल, तो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या आ जाएगी? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर? सो फ्रेंड्स, दिस इज द लीनियर सर्च एल्गोरिथम और द सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम बहुत इजी है समझने में, बट क्योंकि ज़्यादा कंपैरिजंस हो रहे हैं और अगर आपका एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है तो आपका ये टाइम वेस्टेज है। आजकल इससे बेटर एल्गोरिथम्स जैसे कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम और हैश टेबल्स को भी यूज़ किया जा सकता है टू इम्प्रूव द स्पीड। सो ये एल्गोरिथम आजकल थोड़ा कम यूज में आता है। सो दैट इज द ऑल अबाउट द लीनियर सर्च एल्गोरिथम। थैंक यू।